ऑर्फन्स इन नीड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज सरहदी जिला पूंछ के दूर दराज इलाके में 2000 से ज्यादा ब्यावों में फूड किट तकसीम किए गए। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन शेख सईद अनीस मूसा आज खुद मौजूद रहे। ले जाओ हमसे राशन, ये ट्रक है बट हम नहीं आएंगे, हमें नहीं उस जगह जाना क्योंकि वहाँ पे हालात खराब है, लेकिन हम किसी से लेके नहीं आएंगे। मैं कहती हूँ खुद आइए, आप खुद देखिए, यहाँ पे लोगों की मजबूरी देखिए, लोगों की परेशानियां देखिए और खुद आइए। और ये इनकी ये इतना मुसीबत, ये कहाँ से चल के टूटे फूटे रास्तों से चल के आए हैं हमारे पास, और लेकिन ये दिल से आए हैं क्योंकि ये दिल से इनका ईमान है ये कि गरीबों की मदद करना। मेरी उनसे गुजारिश है तो किट चेयरमैन साहब के हाथ से तशरीफ, इसका कोई है गुलाब जान बीटो आप लेट शाह मोहम्मद इस बात की है कि आज ऑर्फन्स इन नीड एसएलओसी के इलाकों में भी तकसीम कर रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी तंजीम के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि यहाँ की जो जरूरियात हम महसूस कर रहे हैं, यहाँ की बेवाओं की गुर्बत जो देख रहे हैं, इसका कोई यानी बयान नहीं कर सकता है। मैं बस सबको यही कहूँगा, खासतौर पर मुकामी लोगों को, यहाँ के जम्मू के, कश्मीर के और यानी दीगर इलाके जो गरीब है, वो अपने अपने इलाकों में यतीम और बेवाओं की खिदमत करें और उनकी परेशानियों को मिटाने में जरूर हिस्सा लें। यहाँ तक ये पहली बार ऑर्फन्स इन नीड रमजान के मौके पर पहुंची है, जैसे कश्मीर में और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तो साल भर करते रहते हैं, दीगर ममालिकों में और हिंदुस्तान में भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें यानी ऐसे रास्ते खोलेगा कि हम हर मुस्तकिल यहाँ आते रहे और इन लोगों की खिदमत में हम हाजिर होते रहे इंशाल्लाह। अल्लाह मदद करना आड़ो है, मेरे को किसी ने नहीं दी तो पूछे ही नहीं किसी ने, तो आज आप इस आज अल्लाह की तरफ भेजा, अल्लाह ने उन पर भी मदद करी था, उनने आगा महाराबर करी सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा। साल में 4-5 बार गरीब लोगों को देना चाहिए सर, ये बाड़े ला के दिन में अगर कुछ नहीं तो 100 बम्प इधर फटता है दिन में, गरीब लोग के पानी को भी तरस रहे हैं इधर, और क्या करें, कुछ नहीं दिया भी, कुछ नहीं, 2 दिन के बस वो भी 20-20 किलो बस ये दूसरा राशन मिलता है इसका काट का। मैं जोरदून बोल रहा हूँ शाहपुर लोहर से, ये जो मदद की है इन्होंने, ये करनी चाहिए थी सरकार ने, सरकार ने की नहीं, ये रमज़ान में इन्होंने मदद की है, ये साल में 1-2 बार होनी चाहिए मदद, क्योंकि आवाम गरीब है, बॉर्डर एरिया गरीब।